नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एनसीपी नेता अजीत पवार के भाजपा के साथ जाने के पिछले दिनों खबरें चल रही थी और बाद में खुद ही सामने आकर उन्होंने इसका खंडन भी कर दिया, लेकिन पार्टी में अब भी शायद इस मामले पर भरोसे का संकट बना हुआ है और उसकी कीमत अजीत पवार को चुकानी पड़ रही है। खबर है कि शुक्रवार को मुंबई में होने वाली एनसीपी की एक दिन की मीटिंग में अजीत पवार को आमंत्रित ही नहीं किया गया। ऐसे ये कयास लगने लगे हैं कि शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी में उन्हें अब किनारे किया जा रहा है। एनसीपी के इस सम्मेलन को शरद पवार संबोधित करेंगे, जिसकी थीम है मुंबई कैसी बनेगी वर्ल्ड क्लास सिटी। इस सम्मेलन में उद्यान सत्र के अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल करेंगे। इसके अलावा पार्टी के सीनियर नेता प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले, सुनील तटकरे, छगन भुजवल, जितेंद्र अवार्ड और अनिल देशमुख जैसे नेता जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। एनसीपी के एक नेता ने अजीत पवार को आमंत्रित ना करने की बात से इनकार कर दिया। एनसीपी के एक लीडर ने कहा कि ये सम्मेलन गुरुवार को ही होने वाला था, जिसमें शामिल होने के लिए अजीत पवार ने सहमति दी थी, लेकिन अंत में कार्यक्रम का शेड्यूल ही बदल दिया गया। हालांकि नए शेड्यूल पर अजीत पवार ने कहा कि वो उपलब्ध नहीं रहेंगे। उनका कहना है कि वो पहले से ही करीब आधा दर्जन कार्यक्रमों के लिए समय दे चुके हैं, जिनका आयोजन पुणे में होना है। बता दें कि यहाँ पर गुरुवार को ही अजीत पवार ने राज्यपाल रमेश बैस और सीएम एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर खारघर में हुई घटना की न्यायिक जांच की मांग की थी। दरअसल खारघर में बीते रविवार को हुए महाराष्ट्र भूषण आयोजन में लू लगने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले की जाँच के लिए सीएम एकनाथ शिंदे के आदेश पर एक संसदीय आयोग का गठन भी किया गया है। फिलहाल गौरतलब है कि अजीत पवार को लेकर इसी सप्ताह चर्चाएं जोरों पर थी कि वो भाजपा में जा सकते हैं। उनके साथ एनसीपी के करीब 35 विधायकों के भी जाने की चर्चा थी। इस पर शरद पवार ने कहा था कि पार्टी के सब कुछ ठीक है। इसके बाद अजीत पवार का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऐसी तमाम आशंकाएँ निराधार है। अजीत पवार ने कहा कि मैं जब तक जिंदा हूँ एनसीपी में ही रहूँगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।